अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल्ला, मैं सऊदी अरब दम्माम में हूँ। आज मेरी गाड़ी लड़ गई है, ये यहाँ से लड़ी है। ये देखिए, ये पूरा गिलास टूटा हुआ है और ये देखिए, इस तरीके से लड़ी थी और ये पूरा निकला हुआ है। ये पूरा ये इस साइड से मारा था। अभी मैं उसका छोटा सा वीडियो हो डाल देता हूँ। पार्किंग लगा रहा था, पीछे से आकर ठोक दिया। लगता है मोबाइल में मस्त था। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कर्रे से नहीं ठोका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कितना भी बड़ा हादसा हो जाए कोई भागता नहीं है। जैसे ही गाड़ी लड़ती है, जिस तरह गाड़ी लड़ती है उसी तरह खड़े होना है। वहाँ पर क्या है, गाड़ी लड़ी कि मारपीट चालू, माँ बहन एक कर देते हैं। यहाँ पर गाड़ी लड़ी, हम दोनों उतरे, मैं और जिसने मेरी गाड़ी ठोकी है वो उतरा। सलाम दुआ हुआ, हाथ वगैरह मिलाया गया, तो उसकी गलती थी। उसने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, मैं नज़म को बुलाता हूँ। नज़म यानी इंश्योरेंस वाला। इंश्योरेंस वाला आ गया 10-15 मिनट के अंदर। उसके बाद उसने लिखा पढ़ी की और उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये पर्ची ले लो। एक पर्ची मुझे दिया, एक उस पार्टी वाले को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा ज़ोर से नहीं लगी थी। मैं पार्किंग लगा रहा था, मार्केट लाइन में हुआ था, दम्माम मजरैया में। मैं पार्किंग के लिए इंडिकेटर दिया हुआ था राइट साइड के लिए। मैं आधा घुस चुका था, उसने पीछे से आकर ठोक दिया। जैसे ही ठोका उतने ही पे वो रुक गया, उतर के आया, सलाम दुआ किया। तो खैर तकरीबन आधा घंटा बर्बाद हुआ। यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत सेफ है, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत सेफ है। यहाँ पर गाड़ी ठोकने के बाद कोई भागता नहीं है। ठोकने वाला भाग गया तो बहुत लंबी सज़ा होती है। यहाँ फाइन भी बहुत ज़्यादा लगता है उसके ऊपर, भागने वाले के ऊपर। ऐसा नियम अपने यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन खैर ऐसा होगा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कोई ख़ास नुकसान भी नहीं हुआ। तकरीबन 1,000-1,200 रियाल का नुकसान हुआ है, तो वो ड्राइवर को देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर चाहे मुझसे ठुक जाती, चाहे कोई ठोका है, तो वो इंश्योरेंस वाला देता है यहाँ पर। यहाँ पर गाड़ी ठुकने के बाद घबराने की ज़रूरत नहीं है। और नए हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि बिल्कुल भी ना घबराएं। गाड़ी तो है ही है, तो कभी ठुक भी जाती है, कभी कोई ठोक भी देता है। तो यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत आसान है। अगर बाय चांस कभी ठुक गई या ठोक दिया तो गाड़ी को मत हिलाइएगा, गाड़ी को आगे पीछे मत करिएगा। नज़म वाला आता है, वो फोटो वगैरह खींचता है, उसके बाद एक दूसरे को एक एक पर्ची थमा देता है और आईडी वगैरह लाइसेंस वगैरह चेक करता है, उसमें ऐड करता है। उसके बाद वो बोलेगा फला फला वर्कशॉप में जाओ, वहाँ पर आपकी गाड़ी मेंटेनेंस की जाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही। चलिए, अल्लाह हाफिज़। पार्किंग लगा रहा था, पीछे से आकर ठोक दिया। लगता है मोबाइल में मस्त था। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कर्रे से नहीं ठोका।